बर्थडे ट्रॉफी 2018 सुशांत मुकादम साहब के जन्मदिन के अवसर पर ये टूर्नामेंट रखा गया है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत। चलिए मैच का आगाज होने जा रहा है, मैच की शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर लेकर संदीप भोयर सज्जे होते हुए 10 से 15 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इसी बीच पहली गेंद लंबे चौड़े कद के बल्लेबाज हर्षद सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद मिस टाइमिंग, तो गेंद हवा में है लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई। एक रन के साथ यहाँ पर हर्षद ने अपना खाता जरूर खोला और अपनी टीम के लिए श्री गणेशा जरूर किया। इस एक रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ है। अकाउंट ओपन करना तो बेहतर है लेकिन अकाउंट में पैसा जमा कराना ये भारी पड़ता है। अब देखना ये है कि ये जो चार ओवरों का मुकाबला होगा, इन चार ओवरों में अपने खाते में, अपनी टीम के अकाउंट में कितने रन जोड़ने में सक्षम और कामयाब होंगे बल्लेबाज ब्रिजेश सज्जे होते हुए सामना करने के लिए तैयार। इस बार मिस टाइमिंग्स को गेंद हवा में और ये कैच छूटा। ओहो, ये कैच छूटा है। आसानी के साथ गेंद को फील कर सकते थे। ये कैच हर एक चीज भारी पड़ती है। ठोकर खाने के बाद जख्म लगती है, जख्म से उभरने के लिए वक्त लगता है। अब ये कैच छूटा है, इस कैच से उभरने के लिए कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात जरूरी। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन रहा। दीपेश कैच छुट्टी हुई, दीपेश ने कैच छोड़ी है और यहाँ पर एक रन और जरूर मिलेगा। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल के साथ स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ चार रन। गेंदबाजी की अगर बात करें तो वाकई में यहाँ पर संदीप भोयर बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल होम ग्राउंड ही माना जाएगा यहाँ पर इनका, और होम ग्राउंड पर किस तरीके से गेंदबाजी की जाए ये चीज को पूरी तरीके से प्रूव करते हुए संदीप भोयर। संदीप भोयर फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार है हर्षद। इस बीच ये गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद, कानों के पास गुनगुनाती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई गेंद। संदीप भोयर अच्छी वापसी कराते हुए जिस तरीके से कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन कैच ड्रॉप होने के बाद उन्होंने हौसला हिम्मत नहीं छोड़ी और गेंदबाजी में अपने जौहर उन्होंने जरूर दर्शाए हैं। लेकिन लंबे चौड़े कद के बल्लेबाज हर्षद की कैपेसिटी बहुत है, बड़े हिट लगाने में माहिर है। इस बार फूल किया है, पावरफुल किया है, वंडरफुल किया है, ब्यूटीफुल किया है। गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक, एक तुम्हारी तो एक हमारी, इस तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला। स्कोर ने लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। दो आंकड़ों में स्कोर दर्शाता हुआ 10 रन। इस 10 रन के साथ साथ एक गेंद अभी भी आना शेष संदीप भोयर की। इस बार बैट का मोटा किनारा लेकर गेंद जाती हुई और यहां नजदीकी मामला हो सकता है। टैरी किट करने का प्रयास, विकेट का बदम होता हुआ और ब्रिजेश की इनिंग की समाप्ति, और ब्रिजेश की इनिंग के साथ साथ एक ओवर की भी समाप्ति होती हुई, और एक ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई कोश मात्र भाईंदर पाड़ा की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ एक विकेट के नुकसान के बाद 10 रन। बिल्कुल पुष्पात्र भाईंदर पाड़ा का एक बड़ा सितारा तेजस भोयर, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला ये खिलाड़ी, कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाला ये सितारा इस वक्त विकेटों के बीच में जाता हुआ तेजस भोयर। विस्फोटक बल्लेबाज है, बेहतरीन आक्रामक गेंदबाज है और इस वक्त उन्हें भेजा गया है रनों की रन संख्या को तेज करने के लिए, क्योंकि अगर ये बल्लेबाज चलते हैं तो चार ओवरों के मुकाबले में एक अनुमान लगाया जाए, एक टारगेट सेट किया जाए तो लगभग 40 रन एक फाइटिंग स्कोर माना जाता है। 40 रन के अगर अंदर होते हैं तो गेंदबाजों पर दबाव होता है, गेंदबाजों पर प्रेशर होता है और उसी प्रेशर दबाव में गेंदबाज कुछ ना कुछ गलतियां खामियां कर जाते हैं और मैच का रिजल्ट कुछ अलग होता है, परिणाम अलग होता है। लेकिन इस वक्त गेंदबाजी की अगर बात करें, एक 6 आने के बाद भी उन्होंने अच्छी वापसी दिलाई, एक विकेट अपने नाम किया और एक विकेट के साथ साथ यहां पर रनआउट के रूप में अपनी टीम को विकेट जरूर दिलाया था और बिल्कुल यहां पर रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 10 रन। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज दीपेश की अगर बात करें तो ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में, अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं।
कुछ प्लेयर्स आज नरेश स्पोर्ट्स में कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि आउट डे में जिस दिन मैच होता है समय नहीं होता है फील्डर्स के पास, उस तरीके का दृश्य देखने मिल रहा है। बिल्कुल लगभग 2 से 3 खिलाड़ी कम नजर आते हुए इस वक्त नरेश स्पोर्ट्स की टीम में। दिपेश सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे, सामना करने के लिए तैयार है तेजस। तेजस को अपना अकाउंट ओपन करना है, अपना खाता खोलना है, और तेजस किस अंदाज में अपना खाता खोलेंगे ये देखने वाली बात जरूरी। इसी बीच ये गेंद, पहली गेंद आक्रामक स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, खूबसूरत थ्रो, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की जितनी प्रशंसा करें जितनी तारीफ करें उतनी कम। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन के साथ तेजस ने अपना और अपनी टीम के लिए 2 रन जोड़ने में कामयाब रहे, और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। दिवेश फिर से एक बार सज्जे होते हुए फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार तेजस। इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, रेंज में गेंद नहीं आई, जब तक के संदीप पोहिर शॉर्ट मिड ऑन से जाकर वाइड शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील करते 1 रन जरूर पूरा किया। स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। जिस तरीके से टॉस जीतने के बाद नरेश स्पोर्ट्स की टीम के कप्तान ने कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे, उस तरीके की लय में उनके गेंदबाज इस वक्त नजर नहीं आते हुए। अगली गेंद, इस बार लो फुट ऑफ गेंद थी, सही तरीके से मिडलिंग नहीं कर पाए, जब तक के गेंद को पॉइंट के क्षेत्र से फील्ड किया जाता 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी दीपेश द्वारा जरूर देखने मिली है, लगभग 3 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए हैं, लेकिन इस वक्त विस्फोटक बल्लेबाज, बड़े हिट लगाने वाले बल्लेबाज तेजस विकेटों पर मौजूद। इस बीच ये गेंद, इस बार मिस टाइमिंग्स को गेंद हवा में, विकेट का बदम होता हुआ, फुल टॉस गेंद पर शिकार यहां पर किया है तेजस भोईर का। अंपायर्स अपना डिसीजन क्लियर करें, विकेट, यस विकेट है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से डिसीजन क्लियर करना है। यस सर, थैंक यू। लो फुट ऑफ गेंद थी, लो फुट ऑफ गेंद पर शिकार बनते हुए नजर आए। दीपेश की मैं प्रशंसा करूंगा, बहुत ही बढ़िया सूझबूझ के साथ यहां पर विकेट हासिल किए। बिल्कुल फुल टॉस बॉल पे विकेट डालना है यानी सुसाइड करने जैसा होता है, तेजस ने उसी तरीके की गलती की, फुल टॉस बॉल पर मिडलिंग नहीं कर पाए, बैट पर जिस तरीके से गेंद मिडल होती है उस तरीके की मिडलिंग नहीं देखने मिली और तेजस की इनिंग की समाप्ति। अब तेजस की जगह आए हैं नए बल्लेबाज विशाल, लंबे हिट लगाने में ये भी माहिर है विशाल, लेकिन यहाँ पर मैं प्रशंसा करूंगा दीपेश की, अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर दीपेश सज्जे होते हुए सामना करने के लिए तैयार है विशाल। इसी बीच ये गेंद, और इस बार जोरदार अपील, अपील को स्वीकारा, विशाल की इनिंग की समाप्ति। एक और झटका होश मात्र भाईंदरपाड़ा की टीम को लगता हुआ और एक सफल ओवर खत्म होता हुआ नरेश स्पोर्ट्स कासरवाड़ोली की टीम का, एक सफल ओवर जरूर, एक गेंद अभी भी आना शेष है, सफल ओवर की तरफ बढ़ते हुए इस वक्त गेंदबाज दीपेश हैट्रिक पर दस्तक दे रहे हैं। रनों की संख्या थमी हुई 14 रनों पर, पहला ओवर 10 रन का देखने मिला और 5 गेंदों में दीपेश ने खर्च किए 4 रन और 2 विकेट अपने नाम किए। नए बल्लेबाज सतीश को भेजा गया है, हैट्रिक पर है गेंदबाज, कल के दिन हमने देखा 2 हैट्रिक मुकम्मल की गई, कुलशेद के गेंदबाज ने हैट्रिक मुकम्मल की, उसके बाद नीलेश ने हैट्रिक मुकम्मल की, आज क्या दीपेश हैट्रिक मुकम्मल करने वाले गेंदबाज बनेंगे? नेक्स्ट मैच भव्य 11 वाकफिल वर्सेस केवनी स्पोर्ट्स केवनी,
कैप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, वाकपील कैप्टन, भव्य इलेवन कैप्टन आपको आना है। डॉक्टर डाकी शायद मेरे ख्याल से टीम के कप्तान है या फिर उनके कप्तान है, जो भी हो आना है टॉस के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, एक रन जरूर मिलेगा और जिस तरीके से दस्तक दे रहे थे हैट्रिक पर वो दस्तक पूरी नहीं कर पाए। चलिए एक सफल ओवर खत्म हुआ और सफल ओवर के साथ साथ जो अशुभ आंकड़ा कोच मात्र भाईंदर पाड़ा की टीम के लिए नजर आ रहा था 14 रनों का, उस 14 रनों को नांदती हुई बांधती हुई जा पहुंची है टीम 15 रनों पर। लगभग 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई कोच मात्र भाईंदर पाड़ा की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 15 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 3 विकेटों के नुकसान के बाद केवड़ी स्पोर्ट्स केवड़ी कैप्टन आना है टॉस के लिए, केवड़ी स्पोर्ट्स के कैप्टन मोनीश। मोनीश की पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ और इस व्हाइट के साथ साथ एक्स्ट्रा रन में एक रन जरूर जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर। मोनीश परफेक्ट ऑलराउंडर, विस्फोटक बल्लेबाज, घातक गेंदबाज इस वक्त बॉलिंग मार्ग पर है और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है सतीश। भव्य इलेवन के कैप्टन आ चुके हैं, केवड़ी इलेवन के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वेलकम देवत, सुस्वागत है मोनीश अपने बॉलिंग मार्क पर। फिर से एक बार सज्जे होते हुए इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक को, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। केवड़ी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हमने पहले ही सूचित किया था कि सभी टीमें यहां पर समय पर उपस्थित रहें, नहीं तो फिर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, मोनीश खुद गेंद के नीचे और ये क्या छूटा, कैच यहां पर छूटा और स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। जीवन दान मिला है, अब जीवन दान का भरपूर फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज हर्षद या फिर कुछ और दृश्य होगा। मोनीश की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे कार्पेट के सारे, खेला गया इसको गेंद लॉन के क्षेत्र में, 2 रनों के लिए दौड़ लगाना चाह रहे हैं, कामयाबी बल्लेबाजों के हिस्से आती हुई, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया रही और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है लगभग 21 रनों पर, 21 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 3 गेंदे अभी भी मोनीश की आना शेष है, 3 गेंदे अभी भी आना बाकी है और मोनीश ने 3 गेंदों में खर्च किए हैं लगभग 6 रन। मोनीश की अगली गेंद हर्षद के लिए, इस बार बड़ा हिट, फुल पावरफुल नहीं रहा, लॉकअप पर खिलाड़ी तैनात, खूबसूरत कैच, विकेट का बदम होता हुआ, एक और झटका कोश मात्र भाईंदर पाड़ा की टीम को जरूर लगता हुआ। केवड़ी स्पोर्ट्स कैप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, अगर आपके कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हो आपको यहाँ पर संपर्क साधना है क्योंकि समय हमारे पास कम है, आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप समय पर अपनी उपस्थिति दाखिल नहीं करोगे तो।
हर्षद आउट होकर पवेलियन के अंदर लौटते हुए अब दूसरी जगह खेलने जा रहे हैं नए बल्लेबाज जगदीश। जगदीश थोड़ा प्लीज दौड़ते हुए चले जाए। जगदीश केवनी स्पोर्ट्स से केवनी, 5 मिनट के अंदर अगर आपके कप्तान हमसे संपर्क नहीं साधेंगे तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। मोनिश की अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्ले की जड़ में डाली गई गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर 22 रनों पर दर्शाता हुआ इस बार ये गेंद हवा में थी, कैच छूटा हुआ, कीपर की थोड़ी सी चूक, कीपर की थोड़ी सी गलती, ओवर की समाप्ति। कीर्तन डक्की साहब की ओर से, भाव्य 11 की ओर से आदित्य जिन्होंने कैच पकड़ी है उनके लिए केतन डाकी साहब की तरफ से, भव्य 11 की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि। आदित्य 200 रुपए की इनामी राशि आपके लिए आ चुकी है। यहाँ पर आदित्य आपके 200 रुपए की इनामी राशि भव्य 11 के तरफ से। सुनील सुनील पहली गेंद अभी फ्लाइट की अंदर रही, अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे कारपेट के सारे, खेला गया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 2 रनों की कोशिश लेकिन सुंदर स्ट्रोक, क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग, यंगस्टर है और आदित्य क्या फील्डिंग कर रहे हैं, लाजवाब, और इस टीम की कैप्टन भी है, बिल्कुल आज इन्हें कप्तानी का भार सौंपा गया है, कैप्टन के रूप में आए हैं और क्या फील्डिंग कर रहे हैं। एक खूबसूरत कैच पकड़ा उसके बाद क्यों देखिए टांगों में ताकत कितनी है वो दिखाते हुए अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार सुनील, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, संदीप बोहिर मौजूद, गेंद को फेल किया, सुंदर थ्रो, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अंतिम और आखिरी ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज सुनील, सुनील की अगर बात तो बिल्कुल टीपीएल जैसा टूर्नामेंट, काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अपने नाम की छाप छोड़ने वाला ये गेंदबाज नजर आता हुआ। इस बीच ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद टॉट के रूप में, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। सुनील की अगर बात करें तो बिल्कुल इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में रहे, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपने गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों को चप्पा दिया और उसी तरीके का दृश्य इस वक्त भी जरूर जरूर देखने मिल रहा है गेंद डॉट के रूप में। सुनील की अगर बात करें तो अब तक के सुनील ने मात्र खर्च की है सिर्फ और सिर्फ 3 रन, गेंदे कर चुके हैं लगभग 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं और ये लास्ट ओवर के स्पेशली गेंदबाज माने जा रहे हैं। हर टूर्नामेंट में हमने देखा जिस वक्त 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत होती है उस वक्त ये गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंप दी जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल कप्तान का बढ़ जाता है, उम्मीद बढ़ जाती है उसी तरीके की गेंदबाज है।
इस बार थोड़ा सा सफल होकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रही। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 27 रन। 27 रन हो चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार सुनील अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार यहां पर कीपर की थोड़ी सी चूक, 22 के रूप में एक रन जरूर मिलता है। बिल्कुल यहाँ पर गति में थोड़ा सा मिश्रण करते हुए सुनील नजर आए, कभी जोर से कर रहे हैं, कभी चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, गति में थोड़ा सा वेरिएशन ला रहे हैं, गेंद में कभी उछाल दे रहे हैं, कभी गेंद को थोड़ा सा स्विंग करा रहे हैं, बल्लेबाजों को दुविधा में डाले रखा है। और इस वक्त अंतिम और आखिरी गेंद लेकर तैयार होते हुए अपनी इस ओवर की और इस इनिंग की गेंदबाज सुनील सामना करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से बल्लेबाज सतीश की अगर बात करें, अगले सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन इस सीजन में इनका फॉर्म कुछ तरीके का बरकरार नजर नहीं आता हुआ। इस बार ये अंतिम और आखिरी गेंद पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास करने की कोशिश जारी थी, एक रन तेजी के साथ पूरा किया और यहाँ पर 2 रन जरूर मिलते हुए 2 रन से संतुष्ट नहीं बल्कि 3रा रन लेने में कामयाबी बल्लेबाजों के हिस्से आती हुई और 3 रन के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई। लगभग 4 ओवरों का कोटा समाप्त हुआ। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद पोषमात्र भाईंदर पाड़ा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 31 रन और जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है 32 रनों का। तो देखने वाली